बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम यूअर SST टीचर ऑफ क्लास 7 फ्रॉम सुपीरियर मॉडल स्कूल। टुडे आवर लेक्चर नंबर 9 इन चैप्टर नंबर 8। तो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 8। हमारे पास है ओशंस एंड सीज, समंदर और सीज भी समंदर, वेव्स लहरें, टाइड्स जवर एंड करंट्स। तो स्टूडेंट्स, आप पेज ओपन करें, पेज नंबर 52। पेज नंबर 52 पे आप लोगों का चैप्टर नंबर 8 मौजूद है, जो कि आप लोगों की जियोग्राफिकल का पार्ट है, ओशन एंड सीज, वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स। यहाँ पर आप लोगों को इस डायग्राम में बताया गया है कि हमारे पास पानी ने कितने परसेंट तक ज़मीन को कवर किया हुआ है। ये जो ग्रीनिश पोर्शन आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, वाटर है। तो हमारी ज़मीन पर 70% जो है वो वाटर मौजूद है, क्योंकि इस पर डिफरेंट ओशंस मौजूद हैं, जिसकी वजह से पानी की मिकदार जो है वो ज़्यादा है। Oceans cover nearly 3/4 of the earth surface। कहते हैं हमारे पास जो ओशन है, समंदर है, उसने ज़मीन के 3 हिस्सों तक जगह जो है वो पकड़ी हुई है। 3/4 mean। तो बच्चों, हमारे पास क्वार्टर्स कुछ इस तरह होते हैं कि हमारे पास ये 4 quarters होते हैं, ठीक है। और हमारी जो ज़मीन है, और इसमें अभी क्या कहा कि ओशन जो है वो उसने कितने क्वार्टर्स जगह पकड़ी हुई है, 3/4। तो हमारे पास ये 3 portions जो हैं ये वाटर से कवर है, और 1 portion जो है वो सिर्फ हमारे पास ड्राई लैंड पाई जाती है। दे आर अ वास्ट डीप एक्सपेंस ऑफ साल्ट वाटर। कहते हैं जो ओशन है हमारे पास, ये बहुत बड़ा होता है, वास्ट मतलब बहुत ही बड़ा होता है, डीप गहरा होता है, और इसके अंदर साल्ट वाटर जो है वो भी पाया जाता है, गहराई में, समंदर की गहराई में साल्टी वाटर पाया जाता है। ओशंस आर द होम टू अ वैरायटी ऑफ डिस्कवर्ड एंड अनडिस्कवर्ड। कहते हैं समंदर जो है ये हमारे पास एक घर है, जिसमें हर किस्म के दरियाफ्त और अनदरियाफ्त स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट और एनिमल की किस्में पाई जाती हैं समंदर के अंदर। द पार्ट ऑफ एन ओशन डेट मीट्स लैंड इज कॉल्ड अ सी। अच्छा, अब वो पार्ट जो कि ओशन के साथ ज़मीन के ज़रिए मिला होता है, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, सी, वो भी समंदर। ओशन जो है ये हमारे पास बड़े बड़े समंदर होते हैं, और सीज जो हैं वो फिर इससे जो समंदर निकले होते हैं। आवर कंट्री लाइज ऑन द कोस्ट ऑफ द अरेबियन सी। हमारे जो मुल्क है वो अरेबियन सी के कोस्ट पर पाया जाते हैं, साहिल पर पाया जाता है, कोस्ट साहिल। सीज आर जनरली वार्मर एंड शेलवर देन द ओशंस। कहते हैं समंदर जो है वो ओशंस के मुकाबले में गर्म होता है और कम गहरा होता है। मतलब मैंने आपको अभी क्या कहा था कि ओशन जो है वो हमारे पास बड़े बड़े समंदरों को कहते हैं, जिसकी कोई हद ही नहीं होती, और सीज जो हैं वो फिर इसके बाद जो छोटे समंदर होते हैं उनको कहते हैं, जो कि कहते हैं गर्म होता है इसका पानी और कम गहरा होता है। आइसलैंड सीज आर ऑलमोस्ट कम्प्लीटली सराउंडेड बाई लैंड। और आइसलैंड के जो कहते हैं समंदर हैं वो ज़मीन के गिर्द कम्प्लीटली इर्द गिर्द होते हैं। द मेडिटेरियन सी इज एन आइसलैंड सीज। जो मेडिटेरियन का समंदर है वो आइसलैंड का सी पाया जाता है। द लैंड अराउंड द सी इज कॉल्ड द कोस्टल एरियाज। और वो ज़मीन जो कि किसी भी समंदर के इर्द गिर्द पाई जाए, उसे हम क्या कहते हैं, साहिली इलाका, कोस्टल एरिया, साहिली इलाका। द वाटर इन द ओशंस एंड सीज इज नॉट स्टिल, इट मूव्स इन वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स। कहते हैं जो समंदर का पानी है या सी का जो पानी है वो हमेशा रुका नहीं होता, ये हरकत करता है लहरों की शक्ल में। टाइड्स जवर, जवर मीन वो जो बहुत बड़ी बड़ी और चक्कर वाली लहरें जो आती हैं, एंड करंट्स, करंट्स जो हैं बच्चों हम
करंट्स उन लहरों को कहते हैं, उस पानी को कहते हैं जो कि मुसलसल चलता रहता है और एक ही डायरेक्शन की तरफ जाए, मतलब इधर उधर रास्ते में ना हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, करंट्स। अब है हमारे पास फर्स्ट वन है वेव्स। वेव्स तो आप जाते हैं कि लहरों को कहते हैं, नीचे पिक्चर में आपको दिखाए भी गए हैं लहरें। वेव्स, अ वेव इज द राइजिंग एंड फॉलिंग मूवमेंट ऑफ वाटर ऑन इट्स सरफेस। कहते हैं वेव जो है ये राइजिंग ऊपर उठने वाली एंड फॉलिंग नीचे जाने वाली हर पानी की हरकत को कहते हैं जो कि इसके पानी के सरफेस पर हमें नज़र आते हैं। विंड्स ब्लोइंग अवर ओपन वाटर प्रोड्यूस दिस मोशन। और जब हवा भी चलती है तो इसके ज़रिए भी पानी में ये मोशन पैदा होता है। स्ट्रॉन्ग विंड कास, जब कहते हैं ज़्यादा तेज़ तूफान वाली हवा चलती है तो उसकी वजह से क्या होता है, ये कास करता है लार्जर हायर वेव्स, इसकी वजह से बहुत बड़े बड़े लहरें आती हैं। दे कैन हर्ट पीपल बोट्स एंड शिप्स अवर लॉन्ग डिस्टेंस एंड स्मश देम अगेंस्ट माउंटेन्स एंड अदर रॉकी सरफेस इन द कोस्टल एरियाज। कहते हैं कि जब ये बड़ी बड़ी लहरें आती हैं तो ये लोगों को या बोट जो शिप वगैरह इसमें चल रही होती हैं, कश्तियाँ वगैरह, इनको एक दूर डिस्टेंस पर ले जाकर किसी पहाड़ी इलाके की या किसी रॉकी सरफेस पे करीब छोड़ देते हैं जब ये लहरें आती हैं। वेव्स काज, जब ये वेव्स आते हैं बच्चों, इसकी वजह से डेथ भी काज होती है क्योंकि वो लहरों में इंसान झकट जाता है। वेव्स काज इरोजन इन दी कोस्टल एरियाज, और वेव्स की वजह से जो साहिली इलाके हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं। अब आ जाएं पेज नंबर 54 की तरफ। पेज नंबर 54 पे हमारे पास है टाइड्स। टाइड्स मैंने क्या कहा था कि किसको कहते हैं, कि एक तो लहरें होती हैं और एक लहरों की जो सख्त किस्म होती है जिसमें इस तरह चक्कर वाली लहरें आती हैं। अगर कोई बोट या पीपल पानी में तैर रहा है और इस किस्म की लहरें आ गई हैं तो वो इस लहरों के दरमियान में ये जो मिड वाला पोर्शन है यहाँ पर पकड़ा जाता है और फिर वापस नहीं निकलता। जैसा कि लोग कहते हैं कि पानी में तैरने से इंसान डूब जाता है, वो डूबता नहीं है बल्कि इन लहरों में पकड़ा जाता है तो वो नहीं निकल सकता, चाहे वो बड़े से बड़े स्विमर ही क्यों ना हो। If you have spent a day at the beach in Karachi or on beach along the Sindh and Balochistan coastline, you must have seen waves of different strength crashing on the land. कहते हैं अगर आप कराची के बीच, अगर आपने कभी दिन गुजारा हो कराची के बीच में या किसी भी बीच में जैसे कि सिंध बलोचिस्तान की कोस्टलाइन पर, तो आपने देखा होगा मुख्तलिफ किस्म की लहरें जो कि आती हैं और ज़मीन से टकराती हैं और ज़मीन को क्रश करती हैं। Have you also noticed that the sea behaves different during different times of the day? कहते हैं आपने हमेशा ये देखा होगा कि जो समंदर है वो मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ किस्म का बिहेव करता है। Sometimes strong waves come right up to the edge of the beach and then as the day advantages the water gradually pulls back a long way the source and retreat is known as tide. कहते हैं आपने कभी कभार ये देखा होगा कि पानी जो है, जो समंदर का पानी है वो आता है बीच के एज पर, एज मतलब कि जो किनारे होते हैं उसकी तरफ आता है दिन में और ज़मीन के साथ इतने ज़ोर से उसे पुल करता है, उसे धकेलता है कि उसमें जो है दरारें आ जाती हैं। इस किस्म की जो सर्ज एंड रिट्रीट है कि मतलब जो उसके साथ टकराते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, टाइड। आप लोग देख सकते हैं पिक्चर में कि जब इतना भारी पानी एक एज पर आता है किसी भी किनारे पर तो वो उस किनारे को ख़राब कर देता है। टाइड्स फ्रॉम बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, ये टाइड्स जो हैं, ये लहरें जो हैं, ये ग्रेविटी की वजह से आते हैं। वी लर्न अबाउट द ग्रेविटी इन क्लास सिक्स, हमने क्लास सिक्स में पढ़ा है। वी नो डैट द अर्थ हैज़ इट्स ओन ग्रेविटेशनल पुल एंड सो डू द सन एंड द मून। द लैंड ऑन द अर्थ इज़ टू हैवी टू मूव बट द वाटर इन द oceans is lighter and freely flowing, hence it respond to this gravity. कहते हैं आपने क्लासिक्स में पढ़ा हुआ है ग्रेविटी के बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, कि वो किस तरह अर्थ को, अर्थ और मून वगैरह को ज़मीन से आने से रोकते हैं, और एक उसमें ग्रेविटी है कि आसमान पर ये हमारे पास ये अर्थ जो है अपनी जगह पर मौजूद है, सन मून हर एक चीज़ अपनी जगह पर मौजूद है।
द मून इज क्लोजर टू द अर्थ, जो चांद है वो जमीन के क्लोज है, सो इट्स ग्रेविटेशनल पुल इज स्ट्रॉन्ग देन डेट ऑफ द सन। समझ आ गई है, ग्रेविटी इज स्ट्रॉन्गेस्ट वेयर द अर्थ फेसेस द मून, देयर फॉर द वाटर राइजेज टूवर्ड्स द मून, दिस इज कॉल्ड अ हाई टाइड। कहते हैं कि ग्रेविटी हमारे पास इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसने जो है अर्थ का फेस जो है वो मून की तरफ किया हुआ है, और पानी जो है, पानी की लहरें जो है वो हमेशा मून की तरफ उड़ती हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, हाई टाइड। हाई टाइड मतलब बहुत ज़्यादा हाई टाइड। इन अदर प्लेसेस, और दूसरी जगह पर, द वाटर लेवल बिकम्स लोअर, पानी का जो बहाव है वो कम है, एज द बल्क ऑफ द वाटर हैज़ शिफ्टेड टूवर्ड्स द हाई टाइड, और पानी का जो बहाव है वो शिफ्ट हो जाता है किसकी तरफ, हाई टाइड की तरफ। दिस इज कॉल्ड लो टाइड, इसको हम क्या कहते हैं, लो टाइड। द बल्ज ऑफ वाटर एट हाई टाइड ऑलवेज फेसेस द मून, कहते हैं जो बल्ज है वाटर का वो ऑलवेज उसका किसकी तरफ मुंह होता है, मून की तरफ। व्हाइल द अर्थ कीप्स रोटेटिंग, और जमीन जो है वो इसके गिर्द चक्कर लगाती है, अंडरनीथ दिस वाटर। दिस इज हाउ टाइड्स हैपन अराउंड द ग्लोब, और कहते हैं किस तरह ये पानी जो है वो ग्लोब के गिर आता है। तो बच्चों, ये था आप लोगों का आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे।